हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमारे पास कम कार्गो है किसी भी एक्सपोर्टर का, मतलब हमारे पास पूरे 20 फीट कंटेनर का या 40 फीट कंटेनर का, पूरे कंटेनर का हमारे पास माल नहीं है, तो उसको कैसे कंटेनर हम लोग उस कार्गो को हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस है उसका, सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कैसे चार्जेस लगते हैं तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको डाउट सारे क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारा जो सितंबर में हम लोग जो बैच स्टार्ट करना है वो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप डेस्कटॉप पर जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके सारी डिटेल आप ले सकते हैं, क्या क्या उसमें सिखाया जाएगा सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉर्न की बुक भी परचेज नहीं किया उसके लिए भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास कम कार होगा किसी भी एक्सपोर्टर का उसके रेट्स हम लोगों को कैसे मिलेंगे और उसमें डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो सारा कुछ आपको चलिए बताता हूं। तो देखिए हमारे पास जो हमारे पास कम कार्गो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएल, ठीक है, एलसीएल मोड इसको बोलते हैं। जैसे हम फुल कंटेनर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एफसीएल, ठीक है, फुल कंटेनर लोड, ठीक है। तो इसमें लेस देन कंटेनर लोड को इसको बोलेंगे हम लोग कम कार्गो को बोलेंगे एलसीएल, ठीक है। तो इसको हम लोग जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रेट की, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा ये कंटेनर है, ठीक है, और हमारा कार्गो है सिर्फ इतना, ठीक है, इतना कार्गो है, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हम लोगों को पूरे कंटेनर का भाड़ा नहीं देना, सिर्फ जाएगा कंटेनर में ही, और बताऊंगा कि कौन ले जाएगा इसको, ठीक है। तो हमारा सिर्फ हमें इतने कार्गो का हमें सिर्फ अपना चार्जेस देना है। तो ये चार्जेस हम लोग कैसे लेंगे, तो ये चार्जेस हम लोग लेंगे किससे, जो कॉन्सोलिडेटर कंटेनर बनाता है, जो कि एक कॉन्सोलिडेटर होता है, जैसे कि कुछ कॉन्सोलिडेटर के नाम बता दे रहा हूं मैं आपको, सीपी वर्ल्ड या टीम ग्लोबल। जैसे ये लोग क्या करते हैं कि कंटेनर किसी भी शिपिंग लाइन से लेते हैं और अपना एक पार्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, मतलब ये सर्विस देते हैं उस कंटेनर, मतलब उस डेस्टिनेशन के लिए ये लोग कंटेनर बनाते हैं। जैसे अब दुबई हो गया तो दुबई के लिए ये लोग कॉन्सोलिडेटर कंटेनर बनाते हैं जिसमें ये कई सारे कस्टमर का, कई सारे एक्सपोर्टर का माल जो है कि एक ही कंटेनर में एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका थोड़ा थोड़ा जो कार्गो होता है, ठीक है। जैसे दुबई हो गया है, फिर और कोई भी डेस्टिनेशन हम लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी जेवलली है, ठीक है, जेवलली के लिए कोई कार्गो भेजना है हमें, ठीक है, किसी भी आईसीडी से, ठीक, कहां से, किसी भी आईसीडी से आप सी पोर्ट से, ठीक है, यहां भेजना है, एलसीएल कार्गो है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा रेट हम लोग को कैसे लेना वो बता देता हूं। तो देखिए ये हमारा है एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का वेट है हमारा 2 केजी, ठीक है, और इस बॉक्स का वेट है 1 केजी, ठीक है, 1 केजी। तो ये मैं बॉक्स इसलिए बड़ा बनाया क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा ठोस प्रोडक्ट होता है उसका क्या होता है, वेट होता है हमारा ज्यादा, ठीक है, और कम, मतलब बड़ा बॉक्स होता है उसका, मतलब हल्का ही कार्गो होता है जैसे फॉर्म वगैरह कुछ भी, तो उसका वेट हमारे पास होता है कम होता है, ठीक है, 1 केजी इसको मान लेते हैं और 2 केजी इसको मान लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको जो कार्गो का रेट पड़ेगा, ठीक है, बॉक्स दोनों सेम है तो इसमें आपको वेट किसका ज्यादा है, आपका इसका 2 केजी का, लेकिन आपको रेट जो ज्यादा पड़ेगा किसका, इसका, क्यों, इसका आपको एक कैलकुलेशन होती है इसकी, इसके साइज के हिसाब से जितनी ये जगह घेरेगा, एक क्यूबिक मीटर इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के हिसाब से इसका जो चार्जेस लिया जाता है, ठीक है। इसका आपको 2 की जगह आपको इसका 5 किलो तक का भी वेट लग सकता है जो कि इनका कैलकुलेशन होती है उस हिसाब से। तो आपको जो भी आपको अगर एलसीएल कार्गो करना होता है तो आप जितनी उसकी पैकिंग छोटी करेंगे उतना कार्गो आपको, मतलब उसका रेट आपको कम लगेगा, ठीक है। जैसे इसका आपने, मैंने आपको बताया ना ये ठोस कार्गो, इसका 2 केजी है और इसका 1 केजी है, लेकिन आपको रेट किसका ज्यादा लगेगा आप ये नहीं सोचना है कि आपको रेट इसका ज्यादा लगेगा इसका कम लगेगा, आपको केजी पे नहीं जाना है, इसका जो वॉल्यूम मेट्रिक जो वेट होगा, मतलब वॉल्यूम इसका ये और ये जितनी ज्यादा जगह घेरेगा उस हिसाब से इसका रेट लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको 1 केजी के बजाय आपको 5 केजी पर केजी इसका वेट देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलसीएल का, इसका रेट हम लोगों को किसी भी कॉन्सिलेटर से ले सकते हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसेस होता है वही मैं बता देता हूं आपको। इसमें आपको जो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होता है, आपको सीएचएस से जो है क्लियरेंस करवा लेनी है, ठीक है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट पे, ठीक। फिर उसके बाद जो शिपिंग बिल होगा वो आपको किसको देना है, कॉन्सिलेटर को, रेट आपने ले लिया
उसके बाद आपने जैसे हम लोग किसी भी कंटेनर का रेट लेते हैं एफसीएल कंटेनर में, जैसे आपको पिछली वीडियोस में मैंने बताया, उसी हिसाब से रेट वगैरह लेना। आपको जो फ्रेट ऐड करना है उसी में करना है, जो कमीशन जो ऐड करनी है फ्रेट के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें भी फ्रेट में आप ऐड करेंगे। और उसके बाद इसमें फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, आपको एक्सपोर्टर से लेनी है, ठीक है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, और वो सीएचएस से आपको क्लियरेंस करवा देनी है, ठीक है। क्लियरेंस करवा के जो शिपिंग बिल जब आएगा हमारा, शिपिंग बिल हम लोगों को देना होगा कॉन्सुलेटेटर को, ठीक है, कॉन्सुलेटेटर को। और उसके बाद हमारा क्या होगा, हमें शिपिंग बिल इसमें सबमिट नहीं करना है ना बीजेम इसमें सबमिट करना है, ये सारा कुछ कौन करेगा, ये सारा कुछ करेगा मतलब शिपिंग बिल और आपका ये बीजेम, ठीक है। तो ये लोग अपना खुद करेंगे, इसमें हमें करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है। और इसके बाद हमारा जो इसका बीएल का जो प्रोसेस होता है, बीएल कैसे इशू करते हैं, ये अपना हाउस बीएल सभी जितने भी एक्सपोर्टर का उसके अंदर माल जा रहा होगा सबको अपना अपना हाउस बीएल ये इशू करते हैं, जिससे आप उसमें इनके एजेंट जो कॉन्सुलेटर होता है इनका एजेंट उस डेस्टिनेशन पे बैठा होता है, और वहां से हम लोगों को इसका जो डीओ है डिलीवरीटर वहां लेना पड़ता है। मतलब प्रोसेस सारा सेम है, बस ये कि हमें जो शिपिंग लाइन से हम लोग या फॉरवर्डर से रेट लेते हैं, हमें वो कॉन्सोलिडेटर से हमें रेट लेना है, ठीक है। वो अपना एक पार्टीशन मतलब एक पूरा कंटेनर बुक करके और उसमें अलग अलग एक्सपोर्टर के जो कार्गो है वो एक्सपोर्ट करके सारा भेज देते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा मतलब काम वैसा नहीं है कि आपको एलसीएल में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, तो ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रोसेस सारा सेम है, और जो इसका बीजीएम और शिपिंग बिल हमें नहीं करना होता, ये जो कॉन्सोलिडेटर होता है वो करता है। तो आपको मैंने बता दिया इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आपको किसको एक्सपोर्टर से लेनी है, क्लियरेंस करवा के शिपिंग बिल आपको जो कॉन्सुलेटर है उनको भेज देना, सारा प्रोसेस मतलब आगे का डॉक्यूमेंट का प्रोसेस यही करेंगे। हाँ, लेकिन आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको खुद ही भेजना पड़ेगा, आप वर्ड फाइल में भेज सकते हैं शिपिंग इंस्ट्रक्शन। तो शिपिंग इंस्ट्रक्शन का आपके पास जो फॉर्मेट नहीं है वो आप मेरी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इससे ज्यादा भी और भी मेरे फॉर्मेट है मैंने अपलोड किए हुए हैं जो आपके यूज के हैं, डेली यूज में जो फॉर्मेट्स आते हैं मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। और किसी भी शिपिंग लाइन के अगर आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट शिपिंग लाइन का वहां पे लिंक दिया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।